हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ पर हमने एनर्जी ली हुई है इस कोऑर्डिनेट पर और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। इस एक्सिस पर एनर्जी एंड इस एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो टू स्टेप प्रोसेस है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पर जा सकते हो। वहाँ पर SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में आप टाइप करके देख सकते हो और मेरी वीडियो को देख सकते हो और डिटेल में इन दोनों रिएक्शन के बारे में जानने के लिए, इनका डिफरेंस भी जानने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो सब्सट्रेट यानी कि जो रिएक्टेंट है वो हम हेलो एल्केन ले रहे हैं। तो जो सब्सट्रेट है, क्योंकि ये टू स्टेप प्रोसेस है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होती है। तो उसके लिए पहले क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप जो है वो साइट को छोड़कर जाएगा। तो वो साइट को छोड़कर कैसे जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है। फर्स्ट यानी कि स्टेप वन जो हो रहा है, ओके, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, ये लीविंग ग्रुप बाहर जाने की कोशिश कर रहा है इस सबस्ट्रेट से। और इसकी हेल्प जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इसके बारे में भी आप वीडियो में देख सकते हो। ओके, तो ये बाहर चला जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की। ये क्या है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। इसके लिए क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर आप देखोगे जो सेकेंड स्टेप है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। पर ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो इसके लिए ज्यादा है। ओके, क्योंकि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ज स्पेसीज है कार्बोकेटायन, तो उस पर कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल आकर इजिली अटैक कर सकता है, क्योंकि चार्ज को क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, अटैकिंग होगा, तो उस पर आकर आराम से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो सेकंड में क्या हो रहा है, जो कार्बोकैटायन है उसके साथ में न्यूक्लियोफाइल जो है बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि ये इसमें जो है ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती है, इजिली दोनों चार्ज स्पेसीज आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, तो ये क्या हो गया, SN1 रिएक्शन के लिए हो गया। SN2 रिएक्शन में क्या देखोगे, क्योंकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, केवल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर वन पीक है, इसमें दो पीक है, टू स्टेप प्रोसेस है, इसलिए इसमें ओनली वन पीक है, क्योंकि ये वन स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने सबस्ट्रेट लिया है हेलो एल्केन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, जब इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लीविंग ग्रुप है इसका बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। ओके, बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग बोल सकते हो इसको, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो जब इस तरह की रिएक्शन होती है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फ्यूजन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसको कंसर्टेड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर ये क्योंकि अनस्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर पेंटावेलेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है सबस्ट्रेट की, वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि कार्बन की केवल चार वैलेंसी होती है, कुछ पांचवा आके उससे अटैच होने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर, लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफाइल आकर सब्सट्रेट से अटैच हो गया, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये दोनों रिएक्शन आप देख सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो लोअर टेम्परेचर पर होना प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। आई होप SN1 और SN2 के बारे में जो भी एनर्जी डायग्राम है ये आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।